नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों आज हम ऐसी औषधि के बारे में आपको बताएंगे जिसका उपयोग आप रोज किचन में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मैं बात कर रहा हूँ अजवाइन की। दोस्तों इसके छोटे छोटे बीज अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है, सर्दी खांसी जुकाम और शीत पित्त जैसी समस्या हमेशा के लिए दूर करता है। दोस्तों ये गर्म प्रकृति का होता है, इसे खाने से अपच मिटती है। ये भयते नाक और ठंड से निजात पाने की एक कारगर औषधि है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा भी इसमें एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये तत्व त्वचा रोगों में अधिक कारगर होता है। इसके अलावा ये साथी में जमा कफ से छुटकारा दिलाता है। इसके इस्तेमाल से सर्दी और साइनस से निजात मिलती है। दोस्तों अजवाइन पेट के कई रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन करने से पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी डकारे और एसिडिटी में बहुत फायदा होता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अजवाइन के साथ काला नमक और सूखे अदरक को मिलाकर चूर्ण बनाना है। इस चूर्ण को एक चम्मच की मात्रा में भोजन के बाद रोज खाना है। इसका रोजाना इस्तेमाल से पेट संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है। अगर आप सर्दी जुकाम से परेशान है, नाक से पानी बह रहा हो तो ऐसी स्थिति में 1-2 चम्मच अजवाइन को 4-5 घंटे पानी में भिगोकर रखें और इसे पिए। 2 दिनों तक लगातार अजवाइन का इस प्रकार पानी पीने से सर्दी जुकाम खत्म हो जाता है। इससे बंद नाक, खांसी आदि समाप्त हो जाता है। अगर कोई बढ़ते हुए वजन से परेशान है तो इनके लिए अजवाइन का पानी पीना बेहद कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों चर्बी और वजन घटाने के लिए अजवाइन 1-2 चम्मच की मात्रा में लेकर 1 गिलास पानी में सोते वक्त भिगोकर रखें। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को छानकर शहद मिलाकर पी जाए। ये प्रयोग लगातार करने से चर्बी बर्फ की भांति पिघल जाती है और जल्दी ही बढ़ते वजन से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग गठिया के दर्द से परेशान है तो इनके लिए अजवाइन के चूर्ण की पोटली बनाकर घुटनों में सेकनी चाहिए। इसके अलावा अजवाइन और सौंठ को मिलाकर काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। इससे जल्दी ही घुटनों का दर्द ठीक होता है। दोस्तों अजवाइन को पानी में उबालकर कुल्ला करने से दांतों का दर्द ठीक होता है। इसके अलावा इस पानी को पीने से उल्टी तुरंत बंद होती है। दोस्तों शीत पित्त एक त्वचा का रोग है जिसमें त्वचा पर गोल आकार वाले बड़े बड़े चकते उभर आते हैं। ये एक प्रकार की एलर्जी है। अगर किसी को ये समस्या है तो अजवाइन के साथ गुड़ मिलाकर 10 ग्राम की मात्रा में खाली पेट रोजाना सेवन करें। नियमित रूप से इस चूर्ण का सेवन करने से पुराना शीत पित्त मिटता है। दोस्तों अजवाइन की प्रकृति गर्म होती है, इसलिए गर्भवती महिलाएं और बवासीर के मरीजों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में जो आप प्लांट देख रहे हैं ये पत्ता अजवाइन का प्लांट है। ये अजवाइन की ही एक प्रजाति है। इसके पत्तों में अजवाइन के समान ही तीक्ष्ण गंध होती है। इसके फायदे भी अजवाइन के समान ही है। इसके पत्तों का पकौड़ा और भजिया बनाकर खाया जाता है। औषध कार्य में बाजार में मिलने वाले अजवाइन के चूर्ण का ही प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।